गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका से पाठ दो का अध्ययन करेंगे, जिसका हमने एक भाग का अध्ययन कर लिया था। आज हम इसके दूसरे भाग का अध्ययन कर लेंगे। इसमें हमने जो जॉर्ज पंचम की नाक है, इस पाठ का को पढ़ा था, जिसके लेखक कमलेश्वर नाथ हैं, और जिसमें हम पढ़ रहे थे कि रानी एलिजाबेथ है, वो अपने पति के साथ भारत आ रही थी, तो उसके लिए क्या क्या तैयारियां हो रही थी, इस बारे यहाँ तक हमने इसको पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे का अध्ययन करते हैं कि इसका सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, पेज नंबर 11 से। पेज नंबर 11 से देखिए, उस रानी आए और नाक न हो, एकाएक परेशानी बड़ी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई। देश के खैर ख्वाओं की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया, क्या किया जाए। कि हमने जब तक पढ़ा था कि रानी एलिजाबेथ जब भारत आने वाली थी, तब स्नेहा जहांगीर, आवाज़ सुनाई दे रही है ना मेरी स्नेहा? यस मैम। आवाज़ सुनाई दे रही है ना बेटा? यस मैम। तो ये इसमें था कि जब रानी एलिजाबेथ है वो भारत आने वाली थी, उस समय जो भारत की जो सड़कें हैं उसको रंगीन करवाया गया, इमारतें हैं उनको रंगीन करवाई गई, यानी उन पर रंग रोगन करवाया गया, जो सड़कें थी उनको ठीक करवाया गया, और ऐसे पूरे शहर को एकदम नई नवेली दुल्हन की तरह सजा दिया गया। लेकिन बाद में पता चलता है कि जो जॉर्ज पंचम की है उसकी पर उसकी नाक से मूर्ति गायब है। तब क्या होता है कि रानी जो बताते हैं कि रानी आए और नाक ना हो, यानी रानी है वो भारत के दौरा करने के लिए आए और जॉर्ज पंचम की नाक ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। एकाक परेशानी बड़ी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई, देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई। खैर ख्वाहों यानी देश का जो भला चाहने वाले हैं, उनकी मीटिंग बुलाई गई और एक मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए। वहाँ सभी सहमत थे कि अगर वह नाक नहीं है तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी, यानी जो देश के भले जानने वाले थे वो सारे लोग इकट्ठा हुए और इसे बोले कि रानी एलिजाबेथ है वो जब भारत आएगी और जब जॉर्ज पंचम है उसकी मूर्ति को जब देखेगी कि उसकी मूर्ति पर जब नाक ही नहीं है तो ये अच्छा नहीं लगेगा, तो हमें क्या करना चाहिए, हम उस पर नाक लगा दीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि अगर उस पर लाट की मूर्ति पे नाक नहीं रहेगी तो हमारी नाक भी नहीं रह जाएगी, क्योंकि नाक होती है, वो मैंने बताया ये पहले भी, कि प्रतिष्ठा का सवाल होता है। ऐसे कहते हैं ना, किसी की नाक चली गई यानी किसी की इज्जत चली जाती है, तब ऐसे कहते हैं नाक चले जाना। तो नाक जो है अपने प्रतिष्ठा का सूचक होती है। फिर बाद में आगे बढ़ते हैं, उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोचे गए और तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। उच्च स्तर पर मशवरे हुए यानी बहुत लोगों से विचार विमर्श किया गया कि मूर्ति पर नाक नहीं है तो इसके लिए क्या किया जाना है। सबकी राय आई, खरोचे गए और तय किया गया, खरोचे गए यानी सबकी राय जानी गई कि अब क्या करना चाहिए। और फिर क्या तय किया गया, यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है। कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उसकी नाक, उसकी मूर्ति पर नाक का होना बहुत ज़रूरी है। यह तय होते एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो। यह जब तय हो गया, यह निश्चित हो गया कि मूर्ति पर नाक होनी चाहिए, तो जो मूर्तिकार था उसको यह आदेश दिया गया कि वह फौरन दिल्ली में हाजिर हो, यानी वह तुरंत ही दिल्ली में पधारें। मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था। जो मूर्तिकार था वो ऐसे तो कह रहे हैं कलाकार था लेकिन पैसे से लाचार था, यानी पैसे का उसके पास अभाव था। आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदवास थे। उनकी हालत देखकर लाचार कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए
तभी एक आवाज सुनाई दी, मूर्तिकार जाट पंचम की नाक लगानी है। मूर्तिकार यो तो क्या था, कलाकार ही था, लेकिन पैसों से वह लाचार था, यानी पैसे थे वो उसके पास नहीं थे। और जब वह आया तो उसने जो हुक्म देने वाले थे उनके सबके चेहरे देखे तो उसे लगा कि ये सब उनके पास कोई ना कोई अजीब परेशानी है। इन सब के जो चेहरे थे, उनको बुलाने वाले थे, उनके चेहरे उदास थे, मुंह लटका हुआ था, और वो एकदम से उनकी हालत बढ़िया नहीं थी। उनकी आंख जो हालत देखकर जो कलाकार थे उसकी आंखों में आंसू आ गए। तभी एक की आवाज़ सुनाई दी, यानी जो बुलाने वाले थे उनको उनमें से एक की आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जार्ज पंचम की नाक लगानी है। कि मूर्तिकार जार्ज पंचम के नाक नहीं है, वह नाक लगानी है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे ये मालूम होना चाहिए कि ये लाट कब और कहाँ बनी थी। इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था? मूर्तिकार ने कहा कि मैं ये तो सही है कि मैं ये न जो नाक है वो लगा दूंगा, नाक तो इसकी लग जाएगी, पर मुझे यह तो मालूम होना चाहिए कि यह लाट है, कि ये लाट यानी ये मूर्ति है वो कब बनी थी और कहाँ बनी थी। इसके लाट के लिए जो इस ये जो मूर्ति बनाई गई थी इसके लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, क्योंकि नाक बनाने के लिए भी वैसा ही पत्थर चाहिए जैसा कि जिससे मूर्ति बनी हुई थी। अगर उन दोनों में डिफरेंस दिखाई देगा तो नाक अलग लगेगी और जो मूर्ति और का जो पूरा भाग है वो अलग दिखाई देगा। तो वो ऐसे बोला, जो कलाकार था वो बोला कि इस लाट के लिए जो पत्थर है वो कहाँ से लाया गया था। सब हुक्कामों में ने एक दूसरे की तरफ ताका, जो सब हुक्म देने वाले थे वो सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि ये जो मूर्ति है उसकी मूर्ति बनाने के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया, उनको भी नहीं पता था। तो सब एक दूसरे की तरफ देखने लग गई। एक की नज़र ने दूसरे से कहा कि यह बातें बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। तो सब ने एक दूसरे से ये कहा, मानो ऐसा लगा कि जैसे वो कह रहे हैं कि यह बताने की जिम्मेदारी है वो तुम्हारी है। खैर, मसला हल हुआ। एक कलर को फोन किया गया। फिर जो मसला यानी समस्या, जो समस्या थी वो हल हो गई और एक कलर को फोन किया गया। एक कलर को जो फोन किया गया, कलर कौन होते हैं, जिसे लिपिक कहते हैं, जो दफ्तर का बाबू होता है उसे कहते हैं कलर्क। तो एक कलर्क को फोन किया गया और इस बात की पूरी जिम्मेदार पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया, और इस बात की कि इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया है, इस बात की पूरी छानबीन करने का जो काम है उसे सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए और कुछ भी पता नहीं चला। पुरातत्व विभाग जो संग्रहालय होते हैं, जो प्राचीन वस्तुओं से जो संबंधित विभाग होता है, जो प्राचीन वस्तुएं जहाँ रखी जाती हैं उसे कहते हैं पुरातत्व विभाग। जिसे आप म्यूजियम कहते हो, जहाँ अपनी पुरानी चीज़ों का कोई भी संग्रहालय होता है वो, उसमें तो पुरातत्व विभाग की फाइलें उनके पेट चीरे गए। पेट चीरना से मतलब है नहीं, उनको खोला गया, उनका अध्ययन किया गया, और फिर भी पुरातत्व विभाग की फाइलें के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। कि जो पुरातत्व विभाग की जो फाइलें थी उनको खोला गया, उनको अध्ययन किया गया कि ये पत्थर कहाँ से लाया गया था मूर्ति बनाने के लिए, लेकिन इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान किया। क्लर्क लौटा और कमेटी के सामने कांपते हुए उसने बयान दिया, सर मेरी खता माफ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। कि सर मेरी खता, यानी खता मीन्स गलती, कि मेरी जो गलती है वो माफ़ कर दी जाए, कि फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी है। हजम करना यानी कि वो सब खा चुकी है। हजम करना यानी अपन बोलते हैं कि हजम कर गई यानी खा गई। तो सचमुच खाने से मतलब नहीं है, कि वो फाइल है वो सब कुछ फाइलों में सब कुछ खत्म हो गया है, यानी ये जो फाइलों में जो कुछ लिखा हो गया था सब कुछ खत्म है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी ने के बादल छा गए।
एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दामोदर आप पर है। दामोदर यानी किसी कार्य के होने या न होने की जो पूर्ण जिम्मेदारी है, यानी कि ये जिम्मेदारी कि ये कार्य पूरा होगा या नहीं होगा, ये सब देखने का जो आपका काम है, यानी ये कार्यभार है वो आपको दिया जाता है। तो सब जो हुकामों थे उनके सबके चेहरे पर उदासी के बादल छा गए, यानी सब निराश हो गए कि अब तो क्या होगा। एक खास कमेटी बनाएगी, फिर एक मीटिंग बुलाएगी और उसके लिए एक खास कमेटी बनाएगी और उसके यह जिम्मे सौंप दिया गया काम कि जैसे भी हो यह काम होना है और इस नाक का दारमोदार आप पर है कि इस नाक मूर्ति पर नाक होना चाहिए और इस काम की जिम्मेदारी सब आप पर है। अब आप यह अंडरलाइन करेंगे, हुकामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए, खास कमेटी बनाई गई और उसके काम ये दे दिया गया कि जैसे भी हो ये काम होना है, इस नाक का दारमोदार आप पर है कि किसके ये इसके लिए क्या किया गया और उनके जिम्मे क्या काम सौंपा गया। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया। फिर क्या हुआ, मूर्तिकार था उसको फिर बुलाया गया, उसने जो समस्या थी वह हल कर दी। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए कि आप है ना जो मूर्ति बनाएगी वह पत्थर किस किस्म का था, इस बारे में अगर आपको पता नहीं चल रहा है तो आप ज़्यादा परेशान मत होइए। मैं क्या करूँगा, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊँगा कि मैं हिंदुस्तान के जितने भी पहाड़ हैं उनके सब पर जाऊँगा और हो सकता है उन पर वह जो मूर्ति बनाई गई हो उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार वहाँ का पत्थर मिल जाइए। जब सब परेशान हो गए, सबके चेहरे पर उदासी छा गई कि अब क्या किया जाए, वैसे की मूर्ति है वैसा का वैसा नाक बनाने के लिए वैसा का वैसा पत्थर कहाँ चाहिए। तब मूर्तिकार है वह बोला, फिर मूर्तिकार को बुलाया गया तो उसने मसला हल कर दिया, उसने ये समस्या हल कर दी कि आप लोग सब परे हैं वो परेशान मत होइए, मैं क्या करूँगा, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊँगा। अंडरलाइन कर लीजिए आप इसको, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊँगा और ऐसा ही पत्थर खोजकर लाऊंगा। मूर्तिकार ने प्रश्न अपना बन रहा है कि जब सारे जो हुकाम वाले थे उनके चेहरे पर उदासी छा गई, तब जो कलाकार था उसने क्या कहा। तो यहाँ से आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया, उसने मसला हल कर दिया, यहाँ से परेशान मत होइए, यहाँ तक अंडरलाइन कर लीजिए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा, उसने कहा कि आप सब लोग परेशान मत होइए, मैं भारत के जितने भी पहाड़ है उस पर सब पे जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आ गई, जो कमेटी के जो सदस्य थे उन ऐसा लगा जैसे उनकी जान में जान आ गई हो, यानी वो इतने परेशान हो रहे थे तो ऐसा लगा कि अब वो सब खुश हैं। सभापति के ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, यानी जो सभापति था वो उसने गर्व से कहा यानी घमंड से कहा कि ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है, यानी ऐसी कोई चीज़ हो ही नहीं सकती जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिले। यानी ये तो मूर्तिकार की को बनाने के लिए नाक के बनाने के लिए वैसा पत्थर ही तो चाहिए था। भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हर चीज़ें हैं वो उपलब्ध होती है, जरूरत है जो हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है, देश के गर्भ में छिपी होना यानी देश के अंदर ही, कि देश के अंदर ही छिपी हुई है और ज़रूरत है इसको खोज करने की, कि हमें ज़रूरत क्या है कि सिर्फ इसको खोज करके लाया जाए, नहीं खोजना पड़ेगा, खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हम किसी भी चीज़ को खोजते हैं तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो चीज़ हमें पता नहीं होती कि यहाँ पर मिलेगी क्या, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उस चीज़ के लिए हम भटकते हैं, हम जगह जगह ढूंढते हैं। तो वैसे ही वह लाट की जो मूर्ति थी उसकी नाक बनाने के लिए उस पत्थर को जगह जगह खोजना पड़ेगा।
तो वो यही कह रहा था जो सभापति है कि जरूरत हमारे देश में ही सारी चीज मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए खोज करने की जरूरत है, और खोज करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला जमाना खुशहाल होगा। कि ये जो मेहनत है इसका फल है वो हमें मिलेगा, और आने वाला जमाना है वो खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। ये छोटा सा जो भाषण था वो फौरन अखबारों में छप गया। अब ये भी प्रश्न अपना बन सकता है कि जो कौन सा भाषण है वो अखबारों में छप गया। तो ये जो है कि ऐसी क्या चीज है यहाँ से लेके और खुशहाल होगा, यहाँ तक आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे, और यही अखबार जो भाषण है वो हिंदुस्तान के हर उसमें अखबारों में छप गया था। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। जो मूर्तिकार था, जो वो हिंदुस्तान यानी भारत के जो पहाड़ी प्रदेश थे उनमें हर जगह घूमने लगा, और जो पत्थर की खाने थी उनका दौरे पर निकल पड़ा। यानी जहाँ पर पत्थर की खाने थी और जहाँ पहाड़ी क्षेत्र थे वो वहाँ पर उसकी खोज करने लगा, किसकी? पत्थर की खोज करने लग गया। कुछ दिन बाद वह हताश होकर लौटा, लेकिन वह उन पहाड़ी स्थलों पर गया, वहाँ पर भी उसे वह पत्थर नहीं मिला, और जो खादाने थी खाने थी वो उन पत्थर की खानों का भी उसने बहुत दौरा किया, एक जगह से दूसरी जगह गया, लेकिन वहाँ पर उसे वह पत्थर नहीं मिला। तो वह हताश होकर यानी निराश होकर वह लौट आया। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला, पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। फिर उसने आकर क्या कहा, अपना मुंह लटकाकर खबर दी कि यह जो हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा यानी हिंदुस्तान के हर एक कोना कोना मैंने छान डाला है। छान डालने से मतलब मैंने देख लिया है, लेकिन जो ये इस किस्म का जो पत्थर है वो कहीं नहीं मिला। ये पत्थर क्या है? विदेशी है। यह पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? यह पत्थर क्या है? विदेशी है, इसीलिए हिंदुस्तान में नहीं मिला। इसका वो भी अंडरलाइन कर लेंगे कि मूर्तिकार ने जब क्या खबर दी उनको, तो उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला था, पर इस किस्म का पत्थर कभी नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग। आगे पढ़ते हैं। सभापति ने देश में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर, विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग तौर तरीके और रहन सब रहन सहन जब हिंदुस्तान में बार डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? तो सभापति को गुस्सा आ गया। तो उसने गुस्से में आकर बोला कि लानत है आपकी अकल पर, कि आपकी अकल पर लानत है कि आपने कि जब विदेशों की सारी चीजें हम अपना चुके हैं, कि विदेशों की सारी संस्कृति है, सारी चीजें हैं जब हम अपना चुके हैं, कि दिल भी अपना लिया वहाँ का, हमने दिमाग भी अपना लिया वहाँ के, जो तौर तरीके हैं रहने के वो हमने अपना लिए, वहाँ के जो रहन सहन है वो हमने अपना लिया, यानी जो पाश्चात्य संस्कृति को हमने ग्रहण कर लिया, जब हिंदुस्तान में बार डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? कि जब हिंदुस्तान में बार डांस भी मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता? उसने गुस्से में आकर कहा। मूर्तिकार चुप खड़ा था, सहसा उसकी आंखों में चमक आ गई। मूर्तिकार था, वो चुपचाप खड़ा रहा, तब अचानक से उसकी आंखें में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूंगा, लेकिन इस शर्त पर कि अखबार वालों तक न पहुंचे। उसने जब सभापति से ये झड़क सुनी कि हिंदुस्तान में सारी चीज़ें हिंदुस्तान ने सारी चीज़ें अपना ली है तो वो ये चीज़ क्यों नहीं अपना सकता, तब उसने मूर्तिकार ने कहा कि हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन आपको यह करना पड़ेगा, यह शर्त है कि यह अखबारों में ये बात है वो नहीं छपनी चाहिए, कि अखबारों तक ये बात नहीं पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आ गई। चपरासी को हुक्म दिया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए। सभापति की जो आंखों में भी चमक आई, यानी जो सभापति था उसकी आंखों में भी चमक आ गई, और उसने सब चपरासियों को हुक्म दिया कि सारे जो कमरे के सब दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जाए,
और मूर्तिकार ने कहा, देश में अपनी नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाठ पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। देखिए एक मूर्तिकार ने कितना जो अपने स्वाभिमान को ताक में रखकर कितना जो सुझाव है वो सुझाया है कि देश में जो अपने देश के जो देशभक्त हैं उनकी मूर्ति अभी लगी हुई है, अगर आप इजाजत दो तो मैं ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक है इस लाठ पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। यानी हमारे देश के जो नेता थे जिन्होंने अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना बलिदान दे दिया, उन नेताओं में से उन नेताओं की मूर्ति लगी हुई है उनमें से अगर किसी मूर्ति का पत्थर है उससे मिलता जुलता हो तो उस मिलती जुलती शहीदों की मूर्ति से उसको नाक को उतार लिया जाए और उस पे लगा दिया जाए कि एक हमारे देश पर कितना बड़ा एक जो आघात किया गया है उस मूर्तिकार द्वारा, या उस मूर्तिकार ने एक कितना दुस्साहस भरी बात की है कि अपने अपने उसके दूसरों को हम दिखावा दिखाने के लिए अपने देश के जो बलिदान वीर हैं उनकी नाक ही कटवा दी जाए और उसकी जगह फिट कर दी जाए। ये भी अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि चपरासी को हुक्म दिया गया और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए, तब मूर्तिकार ने क्या कहा कि देश के अपने नेताओं की मूर्तियां भी है, यहाँ से अंडरलाइन करना है, तब मूर्तिकार ने कहा देश में अपनी नेताओं की मूर्तियां भी है, अगर इजाजत हो और आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो जिसकी नाक इस लाठ पर ठीक बैठे उसे उतार लिया जाए। इसको भी आप अंडरलाइन कर लेंगे। सबने सबकी तरफ देखा तो सब है जो बैठे हुए थे जितने सदस्य है वो सब एक दूसरे की ओर देखने लगे, सबकी आंखों में एक क्षण की बदवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा लेकिन बड़ी होशियारी से, तो सब जो ऐसे मन से निराश हो रहे थे, सबको जो टेंशन हो रही थी वो ऐसे लगा अचानक से जो दूर हो गई है, वो तो सभापति ने धीरे से क्या कहा कि ऐसा कर लेंगे लेकिन बड़ी होशियारी से करेंगे क्योंकि इस बात का पता है वो देश में नहीं फैलना चाहिए, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। क्यों नहीं पता चलना चाहिए? क्योंकि अगर ये जनता को ये बात पता लग जाएगी कि किसी दूसरे विदेशी को हम खुश करने के लिए अपने जो शहीदों की स्मारक से अपने शहीदों की जो मूर्तियां लगी हुई हैं उसमें से उसकी नाक को काट कर उसकी जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाए तो हमारे देश के लिए इससे बड़े शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। इसलिए उस सभापति ने कहा कि ये काम हो जाना चाहिए लेकिन बड़ी होशियारी से होना चाहिए। और मूर्तिकार फिर देश के दौरे पर निकल पड़ा, फिर मूर्तिकार था वो देश के दौरे पर निकल पड़ा यानी देश में घूमने लग गया वह। फिर जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था, फिर जॉर्ज पंचम की जो नाक नहीं थी उसकी माप उसके पास था कि वह देश देश में घूमकर जहां उसे अपने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं जो शहीद हुए हैं या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है उनकी मूर्ति से यदि मिलता जुलता पत्थर मिल जाएगा तो वह उसे आ, आ, निकाल लेंगे वहां से। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा, दादाभाई नौरोजी गोखले तिलक शिवाजी पावसेजी जहाईगर सबकी नाके उसने टटोली, तो अपने जो देश के वीर बलिदानी थे दादाभाई नौरोजी गोखले तिलक शिवाजी और कावजी जहांगीर इन सब की उसने नाक टकर ली यानी इन सब के नाक को उन्होंने देखा कि जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति है उससे मिलती जुलती है क्या। नापी और गुजरात की ओर भगाया, फिर वो गुजरात की ओर भागा। गांधी जी सरदार पटेल विठल भाई पटेल महादेवी देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। फिर उसने सरदार वल्लभ भाई पटेल की विठल भाई की और महादेव देसाई की मूर्तियों को भी उसने परखा और बंगाल की ओर चला, वह बंगाल की ओर चला गया। इन सब की मूर्तियों को भी देखा कि यदि इनसे मिलती जुलती ना ये वो पत्थर होगा तो जॉर्ज पंचम की नाक पर लगा दी जाएगी। गुरुदेव रविंद्रनाथ सुभाष चंद्र बोस राजा राममोहन राय आदि को भी देखा, तो वह जब बंगाल में गया तो उसने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की सुभाष चंद्र बोस की और राजा राममोहन राय आदि को भी देखा यानी उनकी जो स्मारक बने हुए थे या जो सॉरी जो मूर्तियां लगी हुई थी उनको भी उन्होंने देखा।
नाप जोख की और बिहार की तरफ चला, वहां गया वह बंगाल। तो इन जो हमारे देश के जो ये नेता थे और कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर थे, उनकी मूर्तियों को भी उसने देखा, उनको नापा, तोला, फिर वह बिहार की ओर चला, क्योंकि वह उन नाक से उनकी से मिलता जुलता नहीं था। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आजाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। तो उत्तर प्रदेश की ओर बिहार से होता हुआ वह उत्तर प्रदेश की ओर गया। वहां पर उसने चंद्रशेखर आजाद को, बिस्मिल्ला को, मोतीलाल नेहरू को और मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया, यहाँ यानी उन मूर्तियों के पास भी गया। वहां उसने देखा कि यदि इनसे, इन मूर्तियों की जो पत्थर है वो जॉर्ज पंचम की मूर्ति से मिलता जुलता पत्थर हो तो वह मैं ले लूंगा। इसके लिए वह उनके पास भी गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। फिर वहां भी जब नहीं मिला तो वह मद्रास पहुंचा, सत्य मूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय भगत सिंह की लाटों कुंभ से भी सामना हुआ। आखिरी दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सभी बड़ी निकली। ऐसा करता हुआ बंगाल भी गया, फिर उत्तर प्रदेश भी गया, फिर वह मैसूर और केरल भी गया, फिर वहां पर उन्हें पंजाब भी पहुंचा हुआ मूर्तिकार कि लाला लाजपत राय और जो भगत सिंह की जो मूर्तियां लगी हुई हैं उनका भी उन्होंने सामना किया। फिर आखिर में वह दिल्ली पहुंचा और अपनी जो मुश्किल थी वो ऐसे बयान की उसने, उसने अपनी जो परेशानी थी वह बयान की कि मैं पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, यानी मैं सारे हिंदुस्तान में घूमकर आ गया, लेकिन जब सब मूर्तियां मैंने देख ली है, लेकिन जो जॉर्ज पंचम की जो मूर्ति, जो जॉर्ज पंचम की जो नाक है उसकी नाक से मिलता जुलता मुझे कोई पत्थर नहीं मिला। सबकी नाकों का नाप लिया पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। कि फिर उसने आकर बताया कि मैंने जो जॉर्ज पंचम की जो नाक है वो उससे मैं उसका नाप लेकर गया था, मैंने सब मूर्तियों का नाप लिया, लेकिन जो सारी मूर्तियां हैं वो जॉर्ज पंचम की नाक से बड़ी निकली। अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग यहाँ इसको कि आखिर जो मूर्तिकार था उसने दिल्ली पहुंचकर क्या मुश्किल बयान की, यहाँ से अंडरलाइन कर लेंगे। आखिरी दिल्ली पहुंचा और अपनी मुश्किल बयान की, पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कराया, सब मूर्तियाँ देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। कि जो उसने क्या परेशानी बताई तो उसने ये परेशानी बताई कि मैं सारी जगह घूम आया हूँ लेकिन वह जो जॉर्ज पंचम की नाक से कोई भी मूर्ति है वो मिलती जुलती नहीं है, जॉर्ज पंचम की नाक से सब बड़ी निकल आई। आगे पढ़ते हैं, राजधानी में सब तैयारियां थी, जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया था, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। राजधानियों में सब तैयारियां थी, यानी राजधानियों में सारी तैयारियां होने लगी, जॉर्ज पंचम की जो लाट है को लाट को मल मल कर नहलाया गया, जॉर्ज पंचम की जो लाट को यानी जो मूर्ति है उसको मल मल कर नहलाया गया, यानी उसकी अच्छी तरह से सफाई की गई, रोगन लगाया गया और सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक नहीं थी। कि जहाँ जहाँ से थोड़ा कहीं मूर्ति है वो फेड हो रही थी या कलर उसका जो उतर गया था वहाँ पे उसको रंग लगाया गया, और सब कुछ था कि उसको मूर्ति को साफ भी कर दिया गया, उसकी साफ सफाई बढ़िया से हो गई, लेकिन जॉर्ज पंचम की जो नाक मूर्ति पर नाक नहीं थी। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, बड़ी खलबली मची, अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। बात फिर बड़े हुकामों तक पहुंची, यानी ये बात है धीरे धीरे जो सबसे बड़े अधिकारियों तक पहुंच गई कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर नाक नहीं है। सब बड़ी खलबली मच गई, तो सारे अधिकारियों में और सारे अफसरों में ये खलबली मच गई कि अब क्या किया जाए कि जॉर्ज पंचम की मूर्ति के ऊपर नाक नहीं है। अगर जॉर्ज पंचम की नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब ही क्या, यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई। कि अगर जॉर्ज पंचम की नाक है
नहीं लग पाई, वैसा पत्थर नहीं मिला, और उसकी जगह जो नाक नहीं है उसकी जगह वह नाक नहीं फिट किया गया। दूसरा, तो फिर उनके जो जितना स्वागत हम रानी एलिजाबेथ का करेंगे, फिर उनके स्वागत करने का कोई मतलब ही नहीं है। यह तो अपनी नाक कटाने वाली बात हुई कि यह तो ऐसा हो गया कि यह अपनी नाक कटाने वाली बात हुई, यानी अपनी इज्जत देनी हुई। नाक कटाने का मैंने पहले भी बताया था कि नाक कटाना यानी अपनी इज्जत गवा देना। मैंने बताया है कि नाक होती है वो अपनी प्रतिष्ठा का द्योतक होती है। नाक है ऐसे कहता है कि उसकी नाक कट गई, यानी उसकी जिसकी इज्जत चली जाए उसके लिए कहते हैं नाक कट गई। तभी वो कह रहे हैं कि जब सारे अधिकारियों के पास ये बात पहुंच गई तो सब में खलबली मच गई कि ये अब वो क्या होगा। रानी एलिजाबेथ की हम कितनी ही गर्म जोशी से उनका स्वागत कर ले, लेकिन जब वह उन पर माल्यार्पण करने जाएगी या माला वहाँ जब लाट पर मूर्ति पर जब वो चढ़ाने पुष्प अर्पित करने जाएगी और जब वहाँ नाक नहीं होगा तो ये भारत की नाक कटने वाली जैसी बात होगी, यानी भारत की नाक कट जाएगी ऐसा होगा। तो इस बात से सब लोग है वो परेशान हो गए। स्टूडेंट, आज हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक कृतिका है इससे हमने जो पार्ट सेकंड में पार्ट टू का अध्ययन को पढ़ लिया है। शेष भाग अपना जो है हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे। अगर इसमें आपको कोई भी बात समझ में नहीं आई हो तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लेंगे। पूछना है क्या किसी को? नो मैम, ठीक है बेटा, मैम वो भेज आपने लखनवी अंदाज वाले चैप्टर का पीडीएफ नहीं भेजा, दिया ना बेटा? लखनवी अंदाज का। हाँ भेज दिया, आप देखो डिलीट कर दिया होगा आपने। मैम आपने लखनवी अंदाज का नहीं भेजा, आपने माँ का आंचल का भेजा है। यस मैम, माता के आंचल का भेजा है। अच्छा तो मैं ऐसा करती हूँ, नो मैम। अभी भेज देती हूँ बेटा, थोड़ी देर बाद में जब ठीक क्लास है, खत्म हो जाएगी ना, अभी तो मेरी क्लास है, उसके बाद में भेजती हूँ। ठीक है ना? यस मैम, ठीक है बेटा, ठीक है मैडम। ठीक है बेटा, ओके।